ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे आत्म पंछियों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़, अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है, देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है, क्योंकि देह तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। जब हम आत्मा को याद करते हैं, आत्मा स्मृति में रखते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, आत्मा है, तो स्वतः ही देह से संबंध छूटते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, लौकिक नाम रूप की शान जो है वो खत्म होती जाती है ना, जो झूठा मान, झूठी शान है ना इस लौकिक नाम की, वो खत्म होती जाती है। गीत है, तू प्यार का सागर है, ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, ज्ञान से दिन होता है। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि ये जो मांडव में सितारे, चांद, सूरज हैं, तो सूरज से दिन होता है, और सितारे और चांद जैसे ही आते हैं वैसे ही रात होती है। लेकिन बाबा ने हम आत्मा रूपी सितारों को इस विश्व में दिन करने के लिए इस धरा पर उतारा है। तो हम कितने महान हैं जो सितारे दिन करते हैं, और वो भी चैतन्य शक्ति रूपी सितारे। तो हम बहुत महान भाग्यशाली आत्मा रूपी सितारे हैं। बाबा कहते हैं, इस तरह से अज्ञान को रात कहा जाता है और ज्ञान अक्षर ही अच्छा है। अज्ञान अक्षर बुरा है, आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध। जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो हम उसे धारण कर फिर प्रालब्ध प्राप्ति होती है, उस समय यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। देवी देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं होता, यह कल्प में ही 5000 वर्ष बाद संगम युग पर ही वापस ये ज्ञान फिर से हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से हमें ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध, अज्ञान के प्रालब्ध है दुख। रावण राज्य जहाँ से शुरू हो जाता है द्वापर से, आधा कल्प से, तो वहां से बाबा कहते हैं अज्ञान की प्रालब्ध से हमें दुख मिलता है, ज्ञान की प्रालब्ध सुख है। तो यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान का, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है और अज्ञान किसको कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। बाबा कहते, तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति से ही रात होती है अर्थात दुख होता है। बाबा कहते हैं, ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं तुम जानते हो, यह सब यादगार हैं। किसके यादगार हैं? हमारे ही यादगार हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण बन फिर वापस फरिश्ता बन फिर से पूज्य बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से यह सब यादगार हैं, उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते, पूजा को भक्ति कहा जाता है, और भक्ति में मांगते हैं, और ज्ञान से हमें
मिलता है, हमारा हक हम प्राप्त करते हैं, किससे? स्वयं ईश्वर से हम वर्षा लेते हैं, है ना। तो वो तो अनुज हैं, हम ही पूर्वज आत्माएं मंदिर में विराजमान देवी देवता जो हैं, वो जड़ चित्र हैं, वो होकर गए हैं, वह होकर गए हैं, वो वैसे थे अभी नहीं है, अब वापस बनना है उनको। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से भक्त जो है ना वो मांगते हैं, है ना, तो उसे भक्ति कहते हैं। अब बाबा कहते हैं पूजा को भक्ति कहा जाता है, भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ति का फल देने के लिए, और जो जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसे ही सबसे पहले ईश्वर प्राप्त होते हैं, है ना। तो भक्ति का फल स्वयं भगवान आकर देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति का फल देने कौन? भगवान आते हैं, है ना। तो सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कौन? आत्माएं, है ना। ईश्वर तो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो जन्म मरण से न्यारा है, तो वो पूज्य पुजारी कैसे बन सकता? वो तो एवर प्योर है, वो है ही परे ते परे परम धाम का निवासी, तो वो एवर प्योर है। वो कभी इस तरह से आत्मा जैसे अनप्योर और प्योर नहीं बनता है, है ना, सतो रजो तमो में नहीं आते ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पूज्य से पुजारी बनते हैं, और बनाते कौन है? स्वयं ईश्वर आकर के। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल होना क्या होना है? विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरी आपदाएं नहीं कहेंगे, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, यह ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं मैं कोई इस तरह से जो नेचुरल कैलमिटीज और जो भी कुदरती आपदाएं आती हैं वो भगवान नहीं करते हैं, जबकि हमारे द्वारा ही जो विकर्म और जो हमारे द्वारा ही पाप विकर्म हुए हैं अब उनकी सफाई ये कुदरत करती है। तो ये सफाई का कार्य चल रहा है, जो इस संसार में पतित भिखारी जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका विनाश, उनकी सफाई ये कुदरती आपदाएं आकर के करती है। तो यूं तो ईश्वरीय भाषा में इसे महापरिवर्तन का युग, महा विनाश नहीं, ये महापरिवर्तन का युग है। बाबा कहते हैं इस तरह से उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, और यह भी तो ड्रामा की नूंद है, जिसमें नेचुरल कैलमिटी सब आने वाली है विनाश में भी मदद करेंगे। ये जो बम गोले आदि बना करके रखे हुए हैं वह मदद करेंगे विनाश में, कोई फूल पत्ती जैसे तो रखेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगी, अर्थक्वेक आदि सब आने की है, इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे, यह बेहद की बड़ी मशीनरी है, गाया जाता है मूत पतीले कपड़े धोए, माँ अपने बच्चों के बहुत गंदे कपड़े धोती है, ऐसे ही वो ईश्वर आए हैं जो इतने गंदे रूपी ये आत्माएं रूपी जो गंदे वस्त्र है ना, जिसमें तमो प्रधानता और ये पांच विकार माया के जो भर गए हैं उन्हें धो रहे हैं। तो बाबा कहते ये बेहद का है, हद का नहीं है, है ना। तो इस तरह से इन कपड़ों की बात नहीं है, जो हम ये वस्त्र पहनते हैं इन कपड़ों की बात बाबा नहीं कह रहे हैं, ना ही शरीर की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा बात करते हैं जो आपके अंतर मन में आत्मा के जो विचारों की शुद्धि और अशुद्धि की बात बाबा कहते हैं। यह है शरीर की बात, आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय पांच तत्व तमो प्रधान है तो सब दुख देते हैं, तमो प्रधान पांच तत्व सब दुख देते हैं बाबा कहते हैं। इस तरह से तो शरीर भी ऐसे बनते हैं, पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते? रास्ता बहुत सहज बताते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ
आदि होते हैं वहाँ जाकर समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं जो भक्ति करते हैं वो भी तो भगवान के भक्त हैं। यदि आप समझाएंगे तो जो आपकी बरादरी के होंगे, जो सतयुगी आत्माएं होंगे, वो झट समझ जाएंगे, और जो नहीं होंगे तो वो नहीं समझेंगे। बाबा कहते जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। हम अनुज को ही पूछ रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे, लेकिन फिर उसमें भी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, है ना, ताकि एक बार में तीर लग जाए। तो तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। हम ना समझ हुए, अब बाबा हमें समझ दे रहे हैं। दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, आत्मा रूपी ज्ञान चक्षु मिला है ना, समझ का तीसरा नेत्र। तो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। क्या बाप पूरे विश्व में होंगे? बाप तो एक ही होगा। आप बाप समान बन सकते हैं, लेकिन आप बाप की जगह नहीं ले सकते हैं। तो वो सर्व आत्माओं का परम पिता परमात्मा एक है, उसे सर्वव्यापी कहना, ठिक्कर भीतर पांच तत्वों में कहना, यही बाबा को गाली देने के बराबर है, ईश्वर को गाली देने जैसा है। ईश्वर यदि आत्मा सो परमात्मा होता तो इस संसार में वो यदि इधर विराजमान होता तो वो पाप होने से रोकता, लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है जब संगम युग होता है, जब परमात्मा उस ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तब इस संगम पर आत्मा और परमात्मा का सही मायनों में मेला, जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि संगम तट पर मेला लगा हुआ है। तो ये संगम युग है, यही ही परमपिता परमात्मा से आत्माओं का मिलन का मेला है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, है ना। ऐसे नहीं है, बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती। तो बाबा कहते हैं यानी आदि मध्य अंत को जानते हो, इस समय को आदि कहेंगे, है ना, अभी शुरुआत है ना। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, खुद नहीं करते हैं, कराते हैं, है ना। बाबा कहते हैं करण करावन हार हो, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। किसी डॉक्टर के खड़े होने से आप कभी भी सर्जरी नहीं सीख पाएंगे, डॉक्टर को देखने से आप कभी भी इलाज करना नहीं सीख जाएंगे, इंजीनियर को देख लेने से आप घर मकान बनाना या फ्लाइट बनाना नहीं सीख जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल में उसे धारण नहीं करेंगे या प्रैक्टिकल में उसे अपने हाथों से सीखेंगे नहीं, बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो गीता के भगवान कृष्ण कह दिया वो गलत है। गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा है, उस बच्चे को पिता के साथ में जोड़ दिया, इसी वजह से फिर इतना बड़ा भूल होने से पूरी दुनिया ही मूंझ गई। भगवान परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, वो यदि ऊपर से चमकेगा तो उससे आप समझ जाएंगे कि हमारी कैसे सदगति होगी, कैसे हम दुर्गति को गए, कैसे हम सतोरजो में आते हैं। तो उसे आधार लेना ही पड़ेगा। कच्छ मच्छ के अवतार से हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्या कच्छ और मच्छ में वो अवतरण ले लेंगे तो क्या आपसे बात कर पाएंगे? क्या हम मनुष्य उनकी बातों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने ये प्रकृति रूपी शरीर लिया है तो हमें मुख कान सुनने के लिए चाहिए है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को भी शरीर का आधार लेकर के हमें समझाना है, ज्ञान देना है, तब हम समझेंगे। किसी पेड़ के सामने खड़े होने से यदि आप उसे देवता मानते हैं तो सिर्फ पेड़ को देवता मानने से प्रेरणा नहीं मिल जाएगी। तो यही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, किसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा? ये जो बाबा का ब्रह्मा बाबा है ना, कृष्ण की आत्मा है ना ये, और तो बाबा इनके द्वारा फिर कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर फिर
इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। बाबा कहते हैं करण करावन हार तो जरूर सम्मुख होकर आएंगे, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता, आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन ने कहा बस भगवान मैं इस तेज को और सहन नहीं कर सकता। जब तक स्वयं ईश्वर आकर इस ज्ञान को ना दें तब तक किसी भी मनुष्य के वश की बात है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो जानी जाना न हार है वही तो आएगा करण करावन हार, तब तो कराएगा विश्व में शांति, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा बहुत कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ करता है, है ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता, आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है, बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। तो बाबा कहते हैं बाबा आप प्रेरणा करो, बाबा कहते हैं कि प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं है। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों, है ना। बाबा कहते हैं एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है, निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे, है ना, निराकार कैसे करेंगे। तो वह तो करण करावन हार है, आकर के रास्ता बताते हैं, हमसे ही हमारे ही कर्मों को श्रेष्ठ कराते हैं, हमसे ही हमारे कर्मों को सुधरवाते हैं। बाबा नहीं कर्मों को सुधारते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और श्रेष्ठ धर्म स्थापित करो और जो प्रवृत्ति मार्ग है उससे बाहर आके इस विषय वैतरणी नदी से बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के समय में कोई गृहस्थ आश्रम नहीं था, गृहस्थ आश्रम है, वहां भी देवी देवताओं के दो पैर दो हाथ और दो आंखें ही होंगी, ऐसे ही हूबहू होगा, लेकिन वहां निर्विकारी होंगे, कोई विकार नहीं होगा, बस देवी गुण वाले देवी देवता कहलाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चार भुजाएं होंगी, एक में शंख रख देंगे एक में तलवार रख देंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे। जब आप शरीर में आए तो खाना तो खाएंगे, तो क्या शस्त्र आदि लेकर के आप खाना बना लेंगे। 24 घंटे भगवान को बैल पे बैठा सकता है कोई, आप बैठ सकते हैं बैल पर, जिसको शिव को बैल पर सवारी करा दी, जबकि उनका बैल तो ब्रह्मा बाबा। तो यही सब बाबा बुद्धि से समझने की बातें कहते हैं। बाबा कहते हैं कर्म इस तरह से वह तो करण करावन है, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं, है ना। तो जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना, वो ज्ञान रख करके क्या करेंगे, वो खुद तो इस संसार में आते नहीं है कि हम विश्व में इस तरह से खूब धन माया में आए और हम खूब महलों में बैठे। सतयुग में तो एक बाप है जो आपका लौकिक बाप होगा, उस समय तो सुख में हम भगवान को याद ही नहीं करते, तो वहां हमारा एक बाप रहेगा। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि सतयुग में एक बाप, फिर कलयुग में जब द्वापर शुरू होता है तो दो, और यहाँ संगम पर तीन, एक शरीर रूपी पिता, एक अव्यक्त बाप दादा और दूसरा एक पार तीसरा पारलौकिक परम पिता परमात्मा। तो ऐसे तीन बाप है ना, अव्यक्त बाबा है ना। तो उस तरह से बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों का सहारा तो लेना है, ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। अब कौन से ज्ञान बिगर गति नहीं, क्या कोई आपको यदि कहें कि आप डॉक्टरी सीख लें तो आपकी क्या उसके उससे उस ज्ञान से सदगति हो जाएगी। कौन सा ऊंचते ऊंच ज्ञान है, हम बाबा को क्यों याद करना है, बाबा से हमें क्या प्राप्ति मिलती है। किसी से बिना प्राप्ति के कोई किसी को याद करता ही नहीं है। तो पहले इस बात को समझना होगा कि हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं, हमें उनसे प्राप्ति क्या होती है, वो ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं जिससे हमें क्या मिलता है। तो ये एम ऑब्जेक्ट है,
इस एम ऑब्जेक्ट को आपको समझना होगा। आप यदि पढ़ाई करते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, यूं ही नहीं भेज देते बच्चे को स्कूल। बच्चे को स्कूल इसीलिए भेजते हैं ताकि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे लग्जरी लाइफ को जी सके। यूं ही तो आप धक्का दे के नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ भी हम ईश्वर को क्यों याद करें? उसके पीछे भी तो कुछ होगा, यूं ही किसी को याद नहीं करते। तो पहले उसे समझना होगा, तभी हम उसको स्वतः ही याद करेंगे। फिर उसके लिए आपको मेहनत नहीं लगेगी। कोई भी बच्चा अपने पिता और माँ की फोटो रख के याद नहीं करता है, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा हम सब का बाप है, तो हमें उसकी याद के लिए कोई चित्रों की आवश्यकता नहीं। यही बात बाबा समझाते हैं, मैं चित्रों में मत ढूंढो मुझे, मैं विचित्र हूँ, मैं निराकारी हूँ, जैसे हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं, अब मेरा मुख ना हो तो मैं मुरली चला पाऊं क्या? बाबा ने मुझे आधार निमित्त चुना, तो बिना कर्मेंद्रियों के तो मुरली सुना ना सके। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं, जब कर्मेंद्रियों का आधार ना लें तब तक मुरली कैसे चला? अब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर शरीर के साथ आप कुछ भी करो, उसे तो पता ही नहीं चलता है। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा कष्ट भोगती है, कुछ दर्द होता है तो आत्मा को दर्द होता है, शरीर को कुछ भी दर्द नहीं होता। ये गाड़ी है, जब आपकी कार खराब होती है तो आप दुखी नहीं हो जाते हैं, आप उसे किसके पास ले जाते हैं? मैकेनिक के पास ले जाते हैं, क्योंकि आपकी कार आप चला रहे हैं। तो आत्मा रूपी जो हमारी ये चैतन्य शक्ति, आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है, ना कि शरीर उस गाड़ी को चला रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मुख तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को सारी दुनिया का जो हमें नॉलेज मिली है आदि मध्य अंत की, बाबा कहते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं, ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। तो विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधेरा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। जीवन मुक्ति और मुक्ति, मुक्ति अर्थात जहाँ आत्माएं मुक्त अवस्था में रहते हैं, और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुगी दुनिया जहाँ जीवन तो होता है लेकिन मुक्त अवस्था में होता है, कोई दुख नहीं होता, बंधन नहीं होता, निर्बंधन होते हैं। तो बाकी सब आत्माएं मुक्त अवस्था में रहेंगी, और जो सतयुगी आत्माएं होंगी वो सतयुग में आकर पाठ बजाएंगी, वहां स्वर्ग कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। अब स्वदर्शन चक्रधारी क्या है? आत्मा स्वा का दर्शन करती है, 84 का चक्र आत्मा कैसे फिराती है? कोई कृष्ण की उंगली में स्वदर्शन चक्र नहीं होता है, कृष्ण ने 84 जन्म लिए उसकी स्वा की आत्मा ने, उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना, कि आत्मा कैसे 84 में आती है। चक्र लेके कोई दुनिया में रह नहीं सकता, और ना ही कोई कंस पूरी होती है जब कृष्ण पूरी होती है, वहां कंस आएगा कैसे? जब दुखी नहीं है तो कंस वहां दुख देने जाएगा कैसे? कोई अकासुर बकासुर नहीं होता है जिसका कोई कृष्ण ने गला काटा है। यहाँ इस कलयुग में अकासुर बकासुर हैं जो आत्मा में हैं। आपके आसुरी अवगुणों को इस परमात्मा की याद से खत्म करना है, उसे ही आपको कोई खूने नाहक नदियां नहीं बहाना है, आपके योग बल की अग्नि में उन विकारों को दग्ध करना है, उन अकासुर बकासुर का वध करना। बाबा यही बात बुद्धि से समझने की कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है, प्रारब्ध के लिए है ना। बाबा कहते हैं प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है, सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध, यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे।
बाबा कहते हैं यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता, बाप कहते हैं यह प्रायः लोप हो जाता है, यहाँ ही संगम युग पर ही यह ज्ञान खत्म हो जाएगा, ये देवी देवताओं के साथ ज्ञान जा ही नहीं सकता, नहीं तो वह सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें यह आभास रहेगा कि हमें दुख में जाना है तो फिर वो सुख कैसे पाएंगे। जब आपको यह बात पता होगी कि हमें आगे दुख भी मिलेगा तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे ना, तो सुख प्रालब्धि प्राप्ति होगी क्योंकि ये ज्ञान यहाँ ही लोप हो जाएगा, ये उधर नहीं जाएगा सतयुगी दुनिया में, है ना, तो ये प्रायः लोप हो जाता है, दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ही नहीं, जब दिन होती है तब एक साथ रात नहीं हो सकती ना, और जब रात होती है तब दिन नहीं हो सकता, तो बाबा कहते सुख की दुनिया में दुख हो ही नहीं सकता, इसीलिए अज्ञान तो वहां है ही नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। अब ऐसा तो नहीं है ना सतयुग चल रहा है और भगवान आएंगे और सतयुग में सतयुग की स्थापना करेंगे, कलयुग में ही तो आएंगे, तब तो सतयुग की दुनिया स्थापन करेंगे। बाबा कहते हैं यह भी समझने और समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते, शिव बाबा भारत में ही आते हैं बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं भक्ति का फल देने के लिए, भक्ति के बाद है सदगति, यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे चिंगारी लगती है तो एक दो घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है, यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है, सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। बाबा कहते हैं तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है, माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है, बड़े से बड़ी चोट है काम विकार, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर। बाबा कहते विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे, इससे तो बर्तन साफ करें तो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे, बाबा कहते हैं इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर देती है, पांच विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है, पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए जीते जी मरे हुए हैं, बाबा कहते हैं पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी भिखारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं, आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे, हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं, पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, योग माना याद, योग बाबा कहते योग शब्द भी यहाँ रॉन्ग है, योग माना याद, और याद कब आएगी तब आप उनसे संबंध जोड़ेंगे, और संबंध आप कुछ भी बनाएं, पिता और बच्चे का बनाएं, पति पत्नी का बनाएं, या उस परम पिता परमात्मा को खुदा दोस्त बनाए, अपना साथी सखा अनुज कुछ भी किसी भी रिश्ते में बाबा बंधने तैयार हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता चाहिए उन्हें, प्रेम का रिश्ता चाहिए, और फिर उनकी आपको याद करने में मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है सिर्फ बाप को याद करो, याद से ही बाबा कहते हैं कि विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी, यात्रा कितनी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, है ना, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है, अल्फ को याद करो, अल्फ माना अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बनो, बाबा को याद करो और बेपरवाह निश्चिंत निश्चय बुद्धि हो जाओ, है ना, बाबा कहते इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। तो परंतु बाबा कहते परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है, आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है ना, तो आत्मा पढ़ती है ना,
आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना। अब ये रिश्तों में बाबा ने कैसे बदलना बताया, जब हम आत्मा रहते हैं तो आत्मा एक समान एक परमपिता परमात्मा की संतान, और आत्मा का कोई कलर कोई रंग रूप नहीं होता। आत्मा छोटी है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मते सूक्ष्म है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और ना ही आत्मा बड़ी छोटी होती है, ये शरीर छोटा बड़ा होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई। फिर जब हम ज्ञान में आए तो एक पिता की संतान बाप ने अडॉप्ट किया तो भाई बहन हो गए, और जब हम प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं तब हमारे रिश्ते और कोई पति का रिश्ता, कोई पत्नी का रिश्ता, कोई बच्चे का रिश्ता, कोई पिता का रिश्ता, इस तरह से फिर रिश्ते अलग अलग। लेकिन रिश्तों को कौन निभा रहा है, आत्मा ही तो इस शरीर के द्वारा पिता बच्चे माँ बहन का रिश्ता बनाते हैं ना, बिना शरीर तो नहीं बनाता। तो इस तरह से बाबा इसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं इसे महसूस करना है, ऐसे नहीं है कि घर में सास है उसे आप आत्मा आत्मा कह के फुलाने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं आपको उसे सास ही मानना होगा, लेकिन बुद्धि में आपको रखना होगा कि वो आत्मा सास का रोल अदा कर रही है, ऐसे साक्षी दृष्टा रखनी है। अब आप बहन को कोई आत्मा आत्मा नहीं बुलाएगा, उसे आपको साक्षी होकर के देखना है कि ये आत्मा बहन का रोल निभा रही है, पार्ट बजा रही है, ऐसे बाबा बुद्धि से समझने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं दोनों को भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना सही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे, बाबा कहते हैं शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे, शरीर नहीं होगा तो आप कैसे विकार करेंगे, कुछ भी क्रोध कैसे करेंगे शरीर नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम आत्मा है, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति होती हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनती हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है सिर्फ लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ एक राजा एक महाराजा महारानी से ही राज्य चल जाएगी, प्रजा भी तो होगी ना, अकेले एक महाराजा महारानी से तो राज्य नहीं चलेगा, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से प्रजा भी तो स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है ना। बाबा के घर में रहने ना तो उनको इस शरीर निर्वाह के लिए नौकरी करनी है, ना कोई विकार की बात है, ना कुछ है, ना बच्चे, ना गृहस्थ आश्रम। तो बाबा कहते हैं कितने फ्री है वहां, तो विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है ना, क्योंकि एक 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 रिश्ते जुड़ते जाते हैं, फिर आप बंधन में आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है, युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, बाबा कहते हैं ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास, इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए, बाबा कहते कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है,
ताकत रहती है, बाबा कहते हैं, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखा। बाबा कहते परंतु मेहनत है तो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। बाबा कहते हैं दो से द्वैत आ जाता है, जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि हो पाते हैं, बाबा कहते वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा, कुमारियों के नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना, कुमारी हो तो रहना बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है, स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। बाबा कहते हैं बुद्धि भी फ्रेश रहती है, कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दैलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़, तुम अपना कल्याण करो। बाबा कहते हैं बाप को याद करने में ही कल्याण है, भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, लोग क्या कहेंगे, और वो लोग कौन है, हम आप ही हैं। तो बाबा कहते दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते, उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झरमोई झगमोई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, भगवान किसी को भी श्रापित नहीं करते। बाबा के साथ, भगवान के साथ धर्म राज चलता है, जो हमारे हिसाब किताब रखता है। बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देता, वो तो आपके ही पाप विकर्म आपको दुख देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भगवान कभी नाराज नहीं होता है। हम सोचते हैं ना, हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या एक पिता अपनी संतान से नाराज होगा? क्या आपके शरीर को कष्ट है और आपका पिता कहेगा कि मेरे जो है आकर के मुझे पूजो, मुझे नहलाओ धुलाओ? तो पिता अपने बच्चों को श्राप नहीं देता और ना ही वो कृपा करता। आपको मेहनत करना है, आपको पुरुषार्थ करना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि लौकिक जीवन में एक पिता की संतान को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। बेहद के बाप से आपको हिस्सा तभी मिलेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से श्राप नहीं देते हैं, श्रीमंत पर नहीं चलते, तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला निश्चय बुद्धि बन जीते जी, इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है, बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा बाबा ने कहा, दूसरों का चिंतन छोड़, अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है, झरमोई झुगमोई में अपना समय नष्ट नहीं करना है, योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना। आज का वरदान है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। उपराम का मीनिंग होता ही है इस देह में रहते हुए भी उस परमपिता परमात्मा के साथ में बुद्धि योग लगा रहे, है ना। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके ही जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि सदा उपराम भव। तो जो स्वयं को मेहमान समझ कर चलते हैं, हम इस संसार में एक मेहमान है, भगवान नहीं है, है ना। जब हमारा पाठ पूरा हो जाएगा तो इस तन से हम न्यारे होकर के चले जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मेहमान समझ कर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं।
अब हमें कोई दर्द हुआ, हम शुरू हो जाते हैं मेरा दर्द मेरा दर्द मेरा दर्द, तो आपको दर्द होगा, आप कहेंगे ये तो शरीर छूटना ही है आज नहीं तो कल, तो ये शरीर का दर्द है, मेरा थोड़े दर्द है, तो आपको दर्द कम होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, आप घर में किसी कोई मेहमान आता है तो आपकी प्रॉपर्टी का वो मेहमान हकदार थोड़े ना हो जाता है, उसका घर थोड़ी होता है, वो तो थोड़े समय के लिए रहता है फिर चला जाता है। तो ऐसे ही तो ये आत्मा जो है वो अविनाशी है, ये शरीर तो मेहमान है, इस धरा पर पाठ बजाने आया है। बाबा कहते हैं मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तु में लगाएंगे लेकिन अपने पन का भाव नहीं होता। किराए के मकान में आप ज्यादा साफ सफाई क्यों नहीं करते कि ये तो मेरा है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भाव नहीं होगा, वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं, जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।